हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ छोले। छोले हर किसी के फेवरेट होते हैं, हफ्ते में एक दिन तो बनने ही चाहिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोले की मज़ेदार रेसिपी। तो अमृतसरी छोले हैं तो बनाना भी इतना आसान है और उसे टेस्ट में भी कोई जवाब नहीं। तो इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। छोले लिए हमने 200 ग्राम प्याज, एक कटा हुआ टोमेटो प्यूरी 2, प्याज और हरा धनिया की पेस्ट आधा कटोरी, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, खड़ा मसाला पाउडर हमने 1 टीस्पून लिया है, छोला मसाला 1 टीस्पून लिया है हमने, लाल मिर्ची पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, नमक स्वादानुसार और ऑयल हमने 3 बड़े चम्मच लिया है। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाए क्या? छोलों को हमने 10 घंटे के लिए भिगो के रखा था, फिर इसे 5 विसल आने तक के बॉईल किया है और इसमें डाला था हमने आंवला, ऐसे सूखा हुआ आंवला हमने लिया है इस तरह से, और थोड़ा आधा टीस्पून हमने चाय पत्ती डाली थी इसमें, डालकर भी और बॉईल किया है। अच्छे से कलर चेंज हो गया इसका और टेस्ट में भी अच्छे लगेंगे। ऑयल डाल देंगे, अच्छी तरह गर्म होने दीजिए। ऑयल गर्म हो गया, अब डाल देते प्याज। अच्छी तरह गोल्डन ब्राउनिश होने देंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह मैं नए नए वीडियोस आपके लिए लेते जाते रहूँगी। अब डालूंगी मैं पिसा हुआ प्याज और हरा धनिया। हरा धनिया ऑप्शनल है पीसने के लिए, क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब खड़ा चाहे तो खड़ा भी डाल सकते हो। हरा धनिया पीसने के बाद कलर अच्छा आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी तो आप इसे जरूर डालें पीस कर। इसे मैं अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दूंगी 2 टीस्पून। ये मसाला आप मीडियम फ्लेम पर ही पकाए, उससे ना तो जलने का डर रहता है और टेस्ट में भी फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। इसमें डाल दूंगी मैं टमाटर प्यूरी। इसे भी अच्छी तरह पकने दूंगी। अब हमारा मसाला पक गया है, अब इसमें डाल दूंगी मैं लाल मिर्ची पाउडर 2 बड़े चम्मच, गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर आधा टीस्पून, नमक हम बाद में डालेंगे। अच्छी तरह मिला दे इसे। अब डाल दे हमने खड़ा मसाला पिसा था, वो डाल देते। अब छोला मसाला भी डाल देंगे साथ में। आपको अनारदाना सेपरेट डालना है तो डालें, या तो फिर छोला मसाला उसी में आता है अनारदाना, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने यहाँ पे सेपरेट नहीं लिया है। और कसूरी मेथी क्रश करके डाल देती हूँ, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है।
जो हमने एक टीस्पून लिए थे, इससे ज़्यादा नहीं डालना है आपको। अब डाल दें नमक स्वाद अनुसार। हमने छोले बॉयल करते समय नहीं डाले थे नमक, इसलिए बराबर डाल रहे हैं अभी। मसाला अच्छी तरह भून लें। टोटली 5 मिनट हो गए, मसाला अच्छी तरह भून गया है, ऑयल छोड़ रहा है किनारे से, तो मसाला अच्छी तरह भुना है। तो अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए छोले, इसे अच्छी तरह मिला दें। छोलों में सब मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हमने बॉईल किया हुआ पानी डालेंगे, छोलों जैसे छोले बॉईल किए था वो पानी डाल देंगे। वही पानी डालना है, फेंकना नहीं है, और अच्छी तरह 2 मिनट, 2 से 5 मिनट तक के लिए बॉईल होने देंगे। अब चाहे तो और पानी डाल सकते हो सादा, यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। अच्छी तरह 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाएंगे। मीडियम फ्लेम कर देंगे। अब हम कवर कर देंगे। अब हम कवर हटा के चेक कर लेते हैं, अच्छे से बॉईल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, अब और 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। कवर लगा देते हैं। अब हम कवर हटा के चेक करेंगे, और वाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, कलर भी बहुत अच्छे निखर के आ गए हैं। अब गैस ऑफ कर देते हैं। अमृतसरी छोले डिश बन के रेडी है। आपको ये डिश पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नए डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।